नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और असमंजस में बाजार, जी हाँ, 100 अंकों से ज़्यादा का उतार चढ़ाव आज हम देख रहे हैं निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और दिन के कारोबारी सत्र के दौरान एक बार तो हमने देखा कि 18700 का स्तर भी टूटा, बल्कि 18650 का स्तर भी टूटता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की आज शुरुआत जो है 18741 पे हुई, उसके बाद से 18756 का दिन का इंट्राडे हाई भी छुआ, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा गिरावट गहराती हुई दिखाई दी। और एक समय हमने देखा 18647, ये दिन का निचला स्तर आज निफ्टी ने बनाया है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी काफ़ी शानदार देखने को मिली और अभी जो है 18729 ये स्तर देखने को मिल रहा है, 42 अंकों की गिरावट है। तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, इंट्राडे हाई के आसपास ही इस समय बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा है। क्या ये किसी बड़ी गिरावट के संकेत हैं? क्या जो लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, क्या ये बाजार में मजबूती के संकेत हैं? समझेंगे आज के कार्यक्रम में। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे अदानी समूह में जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे अदानी एंटरप्राइजेज हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी समूह के ज़्यादातर शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट में क्या करना चाहिए अगर आपके पास शेयर बने हुए हैं तो, और अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो आज सेक्टर्स हम देख रहे हैं जिनमें कि गिरावट देखने को मिल रही है, जो बाज़ार को नीचे खींच रहे हैं, उनमें हम देख रहे हैं ज़्यादातर आज के जो इंडाइसेस हैं उसमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे फार्मा मामूली फ्लैट तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसमें थोड़ा सा सकारात्मक रुख है, लेकिन दबाव जो है देखने को जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसमें FMCG है। उसमें हम देख रहे हैं मेटल शेयर आज बुरी तरह टूटे हुए हैं, 2.25% के आसपास की गिरावट मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑयल एंड गैस करीब 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छी रिकवरी के बाद, अच्छी तेज़ी के बाद लगातार अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, आज यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है, तो मुनाफा वसूली भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए इस बीच जो है अब अपने आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके तमाम सवालों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और 2:45 जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि HMA एग्रो का आज IPO का आज आखिरी दिन है और उस पर होगी विस्तार से चर्चा। आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, इन तमाम विषयों पे बातचीत हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं अक्षय जी का। अक्षय जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं GM फाइनेंशियल में अक्षय जी। अक्षय जी, पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, आप कैसे इस समय देख रहे हैं बाजार को, आज जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, हाई के नज़दीक पहुंचते ही एक ज़बरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, क्यों घबरा रहा है बाजार और अभी हम को और कितना इंतजार करना पड़ेगा निफ्टी के नए हाई को छूने में? गुड आफ्टरनून विपुल जी और मनी नाइन के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए तो एक अंक से चूक गए हम कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये जो एक अंक था वो इस पे पूरा ध्यान था बाजार का। गए 4-5 दिन से सभी काउंटडाउन कर रहे थे बाजार में कि बस हमें वो मैजिकल नंबर दिख जाए जो 18888888 की है, पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी कल एक्सपायरी रिलेटेड बिक्री एक्सपायरी थी कल इंडाइसिस की, तो थोड़ी सेलिंग देखने को मिली जो आज गैप डाउन के बाद काफी एक्सटेंड हुई है। अभी जो आज का जो लो है वो बहुत ही क्रूशियल है, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो जो 18650 से 700 का जो स्तर है वो बहुत ही मायने रखेगा करंट सिचुएशन में। उसका कारण है कि अगर आप प्राइस एक्शन को देखें लास्ट 4-5 दिन में तो बार बार बाइंग डिमांड जो है 18700 के स्तर पे बनती हुई दिख रही है निफ्टी में। सेकेंडली अगर आप डेरिवेटिव्स की भी डेटा देखेंगे जो मंथली एक्सपायरी है अभी 29 जून की, वहां पे आप 18700 के पुट में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की एक्शन देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के जो 18650-18700 का है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अहमियत रखता है ये स्तर, और अगर ये लेवल टूट जाए तो ही हमें एक छोटा रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ बाजार मूव हो सकता है, ये जो स्तर है जहां पे हम ट्रेड हो रहे हैं वहां पे फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। इंट्राडे या BTST वाला ही मार्केट है, यहाँ पे आप क्योंकि अगर यहाँ से रिकवरी होके वो जो 18888 है 888 मैजिकल नंबर भी पार कर जाए, फिर भी ऐसा कोई स्तर नहीं कि वहां पे जो है बाजार फिर 19,000 पार कर जाए, 19,300 आ जाए, तो ऐसा कोई ब्रेकआउट वाला जो सिनेरियो वो बनते हुए नहीं दिख रहा है। इट्स मोर ऑफ अ रेंज बाउंड सिनेरियो और लोअर एंड ऑफ द बैंड पे हम
एक स्थिर पे आज वीकेंड है तो वहां पे आज बाय डेज क्लोजिंग क्लियर होगा कि सपोर्ट होल्ड करेंगे कि नहीं। मेरा मानना है कि शायद आज सपोर्ट होल्ड कर जाए हम, और आने वाले जो वीक है आपकी वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी उसी दिन है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। पर आप नोट कर लीजिए 18650 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तो आप अपने लॉन्ग पोजिशंस को बनाए रखे, बाय चांस टूट जाता है तो तुरंत अपने को मुड़ जाना है शॉर्ट की तरफ, और इन दैट केस 18450 कैन बी द पॉसिबल डाउनसाइड फॉर द एक्सपायरी। ठीक। इस बीच अदानी समूह पे विनीत कुलकर्णी, साक्षी सिंह जी, तमाम लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी हम बजिंग स्टॉक्स पर जब बातचीत करेंगे तो अदानी समूह पर डिटेल में बात करेंगे आज हम अक्षय जी से। लेकिन उसके पहले ज़रा कुछ एक सवाल ले लेते हैं। साक्षी जी का ही एक सवाल आया हुआ है इंडिया बुल रियल एस्टेट के ऊपर, और ये जानना ही चाह रही हैं कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है और अभी और कितनी गिरावट इस शेयर में अभी बाकी देखने को मिल रही है। तो साक्षी जी ये जानना चाह रही हैं सर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर जो है इनका प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 0.5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है, 59.70 रुपये के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ, पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ये जानना चाह रही है किन लेवल्स पर सपोर्ट लेगा, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हुआ है ये, अभी यहाँ पर किसी अपसाइड की उम्मीद दिखाई दे रही है कि आपको क्या सलाह रहेगी, क्या सपोर्ट देख रहे हैं आप? तो आइबुल रियल एस्टेट जो है एक डबल टॉप इसने बनाया था 72 पे, जो एक शॉर्ट टर्म वीक पैटर्न है। इसका जो क्रूशियल सपोर्ट अगर मैं देखूं तो करीबन 53 के आसपास बैठ रहा है, तो फिलहाल और थोड़ा वीकनेस एंटिसिपेट कर सकते हैं हम फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 days। करंट लेवल 59 के करीब है, पर 53 से 55 तक आपको डाउनसाइड दिखने को मिल सकता है। तो अगर आप निवेशक है इसमें तो मेरे हिसाब से आप एवरेज करने के लिए आप 53 से 55 सही रहेगा इसमें। पर लॉन्ग टर्म या अगर 3 महीने की भी बात करें तो अभी तक कोई ऐसा पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है जहां पे बहुत इसमें आगे जाके आपको काफी सिग्निफिकेंट रिटर्न मिले। तो सलाह यही रहेगी कि जितने जितनी जल्दी जल्द से जल्द आप इससे थोड़ा उछाल में एग्जिट करने को देखे, और आप अपना निवेश कोई दूसरे स्क्रिप्ट में देखे जहां पे प्रॉफिट पोटेंशियल अच्छा हो। और फ्रेश बाइंग के लिए क्या सलाह रहेगी सर, जैसे कि साक्षी कह रही हैं कि सपोर्ट कहाँ लेगा, क्या ये हो सकता है शायद ये न्यू एंट्री करना चाह रही हूँ? 53 से 55 मान के चलिए वो लेवल आपको जब भी दिखे, शायद उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जब भी 55 का लेवल मिले तभी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पर 1-1.5 महीने के हिसाब से वहां पे आपका टारगेट बनेगा तभी 65 का। 53 पे बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस बनेगा 49 का। ठीक। साक्षी जी, अब आप ये निर्णय ले लीजिए कि आपको खरीदारी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि बहुत अगर रियल एस्टेट सेक्टर की ही बात करें तो जिस तरह की रैली देखने को मिली है यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो फिलहाल अभी वेट कीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। इस बीच राजेंद्र गुप्ता जी से बातचीत कर लेते हैं, और विनीत कुलकर्णी जी तो मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार के शायद ही कोई शेयर ऐसे हो जिसमें उन्होंने खरीदारी ना की हो। उनके प्रश्न को अगर हम लोग डिस्कस करने लगे सारे प्रश्नों को लेकर के तो पूरा कार्यक्रम खाली विनीत जी के प्रश्नों से ही समाप्त हो जाएगा। चलिए, लेकिन आपके एक दो सवाल हम ले लेंगे, अभी अदानी समूह पर भी चर्चा होगी विनीत जी, लेकिन जरा राजेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? और ये मैं मुंबई थाने से बोल रहा हूँ, थाने जिला से। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जब कल आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था रेरा के जो चेयरमैन आए थे राजीव कुमार जी, और जो बहुत अच्छा आप लोगों का है मार्गदर्शन, हर एक विषय पे आप लोग बहुत अच्छा देते हैं। और तो हमारा प्रॉपर्टी फंसा हुआ है प्रॉपर्टी, तो आपने अच्छा हमारा मार्गदर्शन दिया, राजीव कुमार जी को बुलाए थे और बहुत अच्छी आपने रेरा की पे चर्चा हुई थी। धन्यवाद सर, कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, बस हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए सारा प्रयास होता है। जी अच्छा आपने प्रोग्राम रखा था, और हर एक चीज मनी राइन का जितना भी प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए सारे दिल से मनी राइन की टीम को और आपको खास करके सर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलने के लिए। आज कैसे याद किया सर, क्या प्रश्न है आपका? हाँ प्रश्न ये सर जी की मैंने REC का जो शेयर लिया है 115 रुपए के भाव में, जी जी अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब अभी निकाल दू, 159 या 158 का भाव चल रहा है, अच्छा 40 रुपए पर शेयर में प्रॉफिट हो रहा है। आपने 115 पे लिया है ना? एक साल का है, 115 का लिया है, मार्च में लिया था,
अभी 160 के लगभग चला, 159 का कुछ भाव चला, 157-158 प्रॉफिट हो रहा है। जी जी, अच्छा, अच्छी रैली, अच्छी रैली देखने को मिली है सर आरईसी में, करीब 20% से ज्यादा की तेजी। तो मेरे पास 100 शेयर है, उसमें पूरा बेच दूं कि थोड़ा आधा रखूं, और जैसे शेयरों को पूरा बेचना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे, मुनाफा कैसे वसूल करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अक्षय जी हमारे साथ मौजूद है, वो उसका उत्तर देंगे, आप उनकी बात सुनिए। एक महीने में अक्षय जी 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और शानदार मूव। ये चार्ट दिखा रहा है कि राजेंद्र जी को किस तरीके का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, 115 पे लिए हुए हैं। अब इनको एक खतरा ये भी लग रहा है कि भाई पैसे बन रहे हैं तो हाथ से मुनाफा जाना नहीं चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि आप पूरे शेयर निकाल दें या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इन्हें सजेस्ट करेंगे या कुछ प्रॉफिट बुक कर लें ताकि जो है इनकी जो इन्होंने निवेश किया हुआ है वो अपने कम से कम वो निकल आए। 6 महीने में करीब 45% का रिटर्न, अभी क्या सलाह रहेगी सर? राजेंद्र जी अपने बहुत ही सही लेवल पे आरईसी को पकड़ा है, और 15-20% करीबन अगर इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो आपने बनाया वो बहुत ही कमेंडेबल बात है। अभी जहां जिस स्तर पे आरईसी ट्रेड हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट एक ऐसा पीक है जो 6 महीने पहले अपने को 157-160 का स्तर देखने को मिला था आरईसी में, वहां से गिर के 63 तक फिर आरईसी ट्रेड हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्रूशियल लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आरईसी में। टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी काफी ओवरबॉट है स्टॉक, सो अगर एक हफ्ते भर के लिए देखा जाए तो यहाँ से जल्दी पार 160 पार नहीं होगा आरईसी, प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा एक डिप मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसमें से अपने आधे शेयर बुक कर लीजिए और बाकी के आधे शेयर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज करना है तो कभी भी आगे जाके आपको 135 से 140 के स्तर पे वापस अगर आरईसी मिलता है आपको वो लेवल पे, तो वापस इसमें निवेश कीजिए। जैसे ही ये 160 का ब्रेकआउट होगा, शायद इसको 15 दिन से एक महीने का मैक्सिमम टाइम लग सकता है ब्रेकआउट के लिए, पर ये ब्रेकआउट होते होते आपके टारगेट 210 तक आपको मिलने चाहिए 6 महीने के अंदर। तो फिलहाल आप टेम्परेरी बुक कर लीजिए आधा क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम स्तर पे है, आरईसी भी काफी हाई पॉइंट पे है, और वापस एक डिप के लिए वेट कीजिए वो आधे क्वांटिटी के लिए अराउंड 140 के आजू। तो उम्मीद करते हैं सर आपको जो है उत्तर मिल गया होगा, और मुनाफा जो है वो बांधना भी बहुत अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर पर ही मुनाफा देखते रह जाते हैं और शेयर फिर नीचे आ जाता है। जो सलाह दी गई है उस पर आप अमल कीजिए। चलते हैं जरा आर्यन राठौर जी का प्रश्न ले लेते हैं, और आर्यन जी के दो प्रश्न हैं सर। एक तो आर्यन जी जानना चाह रहे हैं कि IDFC के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, और ये इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं IDFC के 107.90 रुपये पे, और IDFC में पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट देखने को मिली है उसके बाद ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। पिरामल फार्मा पे भी इनका प्रश्न है, जहां पर इन्होंने करीब 2600 शेयर ले रखे हैं, 110 की इनकी खरीद है। इन दोनों शेयरों पे अगर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से क्या सलाह देंगे इनको? अगर पहले IDFC की बात की जाए तो IDFC को 99 से 100 के लेवल पे बहुत ही अहम रेजिस्टेंस पॉइंट टेक्निकल चार्ट्स पे है। प्रीवियस काफी इंस्टेंसेस में अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो 100 के स्तर से जब भी गिरता है IDFC तो बहुत तगड़ा गिरता है। 26 के लेवल देखे हमने, इसमें 15 तक के लेवल भी देखे हुए हमने। अभी इतनी अच्छी रिकवरी में जाहिर सी बात है कि बहुत जो पहले फंसे हुए ट्रेडर्स वो 100 के करीब बुक करना चाहेंगे प्रॉफिट्स, तो सलाह यही रहेगी आप प्रॉफिट्स बुक कर ले IDFC में, क्योंकि ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो प्रॉफिट या लॉस सर 107 पे लिए हुए हैं, लॉस बुक कर लेना। हाँ, तो एक बार एग्जिट करना सही रहेगा सर, इसमें 100 जो भाव मिल रहा है उस पे एग्जिट करना सही रहेगा। और दूसरा इनका पिरामल फार्मा पे भी सर प्रश्न था, और पिरामल फार्मा इन्होंने खरीदा हुआ है और ये इनकी खरीद का जो भाव है वो है 110 रुपये, 2600 शेयर ले रखे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं इस महीने इनका भाव देखने को मिल पाएगा या नहीं जून सीरीज के अंदर। पिरामल फार्मा का मैं चार्ट देखूं तो एक क्लियर डाउन ट्रेंड ब्रॉडर चार्ट्स में देखने को मिल रहा है, हालांकि रिसेंट गए 2 महीने में थोड़ी सी एक उछाल मिली है, फ्रॉम 63 से करीबन 95 तक स्टॉक चला था, तो अभी भी कोई मेजर रिवर्सल दिख नहीं रहा है स्टॉक में। तो एडवाइस रही रहेगा आप एग्जिट कर ले पिरामल फार्मा से, वापस ही आपको नीचे में 78-79 तक मिल सकता है, और ब्रॉडर ट्रेंड भी वीक है तो कोई रिवर्सल वाला सिनेरियो फिलहाल तो नहीं बन रहा है पिरामल में, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दोनों ही शेयरों में सर एग्जिट करने की जो है सलाह आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। नुकसान एक जगह कई बार बुक कर लेना भी बहुत जरूरी होता है,
और उसकी भरपाई आप आगे जो शेयर रिकमेंड किए जाएंगे आप वहाँ पर खरीदारी करके उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत करें। उससे पहले जो तमाम दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आप भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप भी को भी अगर जानना है कि कहाँ मुनाफा बुक करना चाहिए, क्या लॉस सभी बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो व्हाट्सएप कर दीजिए हमें और सवाल थोड़ी डिटेल में भेजिए, जैसे किस भाव पर आपने शेयर ले रखे हैं, किस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, किस संख्या में शेयर ले रखे हैं, कितने शेयर आपने ले रखे हैं और नज़रिया आपका क्या है, नज़रिया शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का है या फिर लंबी अवधि के लिए आपने निवेश किया हुआ है। इतनी डिटेल में आप सवाल हमें भेजेंगे उतने ही विस्तारपूर्वक हमारे आज के एक्सपर्ट जो है आपको उतने ही विस्तारपूर्वक जो है जवाब देंगे। चलिए चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, हरमनदीप जी नमस्कार। हरमनदीप जी सुन पा रहे हैं आप? हरमनदीप जी आवाज आ रही है जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, मैं पंजाब तरन तारण से बोल रहा हूँ। पंजाब तरन तारण से, बहुत बढ़िया सर, बताइए सर कैसे हैं और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मेरे पास PCGL के शेयर है 1250 1250 के भाव पे खरीदे हैं आपने? जी जी जी, नहीं नहीं 1250 शेयर है, 27 रुपए के भाव की। 27 रुपए के भाव पे लिए, कब लिए थे सर आपने? जी अभी एवरेज मेरी 27 है जी। कब लिए थे आपने? ये मेरे 6 महीने पहले के। अच्छा 6 महीने पहले लिए थे, और अभी यहाँ पे नजरिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं वही पूछना चाहता था कि इसको सेल कर दिया जाना चाहिए या फिर इसको होल्ड रखिए भी। चलिए अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, आप जिस भाव पे है उसी के आसपास चल रहा है, 26.5 के आसपास। हाँ ये सेक्टर में थोड़ा सा समस्या है, हालांकि पिछले एक महीने में जो है 10-11% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, पिछले 5 दिन में 4% टूटा भी है, लेकिन पिछले 6 महीने की बात करें तो अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आया। ये देखिए सर्किट लगाते हुए नीचे आया, तो अब इन लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है सर। काफ़ी नीचे आने के बाद ये शेयर 110 के आसपास से टूटना शुरू हुआ था, अब इन्होंने 27 पे इसको पकड़ा है। क्या इन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हैं, बने रहना चाहिए या आपको लगता है कि अभी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है, इन्हें क्या करना चाहिए? अभी तो जी शेयर का नाम बताएंगे, PC ज्वेलर्स सर, PC ज्वेलर्स के जी, और ये इन्होंने खरीदा है 27 रुपये पे, अभी 26-26.5 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, तो 5-6 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है एवरेज कर करके इन्होंने अपनी कॉस्ट जो है वो 27 रुपये पे लाई है। पीसी ज्वेलर्स का अगर चार्ट देखें तो काफी ऑपरेटर ड्रिवन स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर इतना सर्किट वाला स्टॉक जो अगर मैं देखूं 70 से लेके 25 तक लोअर सर्किट पे ही चला था, तो इसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट बहुत कम है, इसके वॉल्यूम्स भी इतने एक्टिव नहीं है, SOS शेयरों से हमें हमेशा दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कभी आपको न्यूज पे बन सकता है पैसा, पर कभी हम ऐसे शेयरों में निवेश करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो अच्छी बात है, आपको जहां पे आपने निवेश किया था वही आपको स्तर मिल रहे, तो एग्जिट करना ये हमारी सलाह रहेगी। एग्जिट कर लीजिए सर, क्योंकि कहीं आप ट्रैप हो गए, हालांकि काफी करेक्ट हो चुका है लेकिन यहाँ से और कितना गिरेगा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए जो है ऐसी जगह कम से कम पैसे लगाइए जहाँ पर आपको निवेश थोड़ा सा रिटर्न भले कम मिले, कम से कम सुरक्षित पैसे रहें आपके। देखिए 108 रुपये से किस तरीके से सर्किट लगाते हुए नीचे आया है, तो आगे भी जो है संभावनाएं काफ़ी वोल्टेलिटी की हैं, दूर हो जाइए, निकल जाइए, आप ब्रेक इवन पे हैं, निकल जाइए। ऋषु श्रीवास्तव जी इसका प्रश्न ले लेते हैं, और ऋषु श्रीवास्तव जी का प्रश्न है कि इन्होंने TTML टाटा टेली महाराष्ट्र के 4000 शेयर लिए हुए हैं, लेकिन इनकी खरीद का भाव 90 रुपये है, और ये जानना चाह रहे हैं क्या जुलाई सीरीज के अंदर मुझे मेरा भाव मिल सकता है क्या, ये इनका प्रश्न है। अभी अगर हम देखें तो TTML 73 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इनकी खरीद से तो काफ़ी अभी नीचे है, 90 रुपये की इनकी खरीद है, और एक महीने में हम देखें तो बीच में एक रैली देखने को मिली थी, कुछ एक खबरें भी आई थी टाटा टेली को महाराष्ट्र को लेकर के, और इसके चलते पिछले एक महीने में करीब 19-19.5% चला है, लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी दूरी है सर। अब क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स पर, काफ़ी पिटाई के बाद रिकवरी मोड में तो आया है थोड़ा सा, लेकिन इनके खरीद से भाव से बहुत दूर है। TTML में अगर मैं इसको देखूं तो 2 हफ्ते पहले काफी एक बड़ा उछाल आया था, पर वापस मोमेंटम जो है स्टॉक में निकलते हुए दिख रहा है, तो जून में ये कुछ ज्यादा चलेगा नहीं, अगले एक हफ्ते में
शायद जुलाई एंड तक आपको एक बार वापस ये 95 से 100 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। तो सलाह रहेगी कि अगर आपको जुलाई तक इसमें आप रुक सकते हैं तो जहाँ पे आपकी एंट्री हुई है शायद 90 से 95 के रेंज में आपने बताया एंट्री किया था आपने, तो वो स्तर वापस मिल जाए तो आप एग्जिट कर लिए, आप एग्जिट कर लीजिए इस क्रिप के लिए, क्योंकि ज्यादा मेजर अपसाइड फिलहाल बनते हुए नहीं दिख रहा है। एक ट्रेड बाउंस बैक वाला सिनारियो है और बेस्ट केस इसका 95 से 100 तक जुलाई या शायद अगस्त फर्स्ट वीक तक बन सकता है इसमें। तो क्या फिर वेट करें उस 95 तक का, क्योंकि इनकी खरीद 90 की, वेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं ऋषु जी आप। तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आ रही है कि अगर ये जुलाई अगस्त में हो सकता है कि इस बाउंस बैक में आपके भाव तक पहुंचे और आपका भाव मिल जाए तो फिर निकल जाइएगा, फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद मत करिएगा यहाँ पे। चलिए इस बीच जो है अब काफ़ी सारे सवाल तो हैं, लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे भी होते हैं जो कि खबरों के दम पर चलते हैं, और आज चूंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे पास अदानी को लेकर के आए हैं तो बजिंग स्टॉक्स सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और एक एक करके उन तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं जिन पर आज खबरें हैं। उन खबरों के चलते यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए बजिंग स्टॉक्स, और आज की पहली जो कंपनी है, जो समूह है, वो है अदानी ग्रुप। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर है कि अमेरिकी अथॉरिटी की तरफ से जो बड़े निवेशक हैं अदानी ग्रुप के अमेरिका के, उनको एक चेतावनी दी गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी अदानी समूह की तरफ से, उसको लेकर के अब ये जांच भी की जा रही है कि आखिर उन्होंने किस तरह की प्रेजेंटेशन वहाँ पर दी है। हिंडनबर्ग को लेकर के जो है जो रिपोर्ट थी उसको लेकर के भी निवेशकों को चेताया गया है। ये जो अदानी ग्रुप ने प्रेजेंटेशन दी है उसको लेकर के अब जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट दी है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसको, उसके बारे में उसका हवाला दिया गया है, और इसमें जो है कहा गया है कि प्राइसेस को, शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, और ज़्यादातर कंपनियों के शेयर जो है अदानी समूह के आज अच्छी खासी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल, किसी का अदानी पोर्ट पे है, किसी का अदानी इंटरप्राइजेस पे है। अदानी इंटरप्राइजेस पे पहले नज़र डालते हैं, आपकी स्क्रीन पर 2241 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, अदानी समूह बहुत ज़्यादा इस समय खबरों में लगातार रहा है, बीच में कुछ समय तक थोड़ी सी खबरों का सिलसिला थमता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब फिर से एक निगेटिव खबर निकल के आई है, और हालांकि अदानी समूह की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया है इस पर, और ये कहा गया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दबाव अच्छा खासा 6% से ज्यादा अदानी इंटरप्राइजेस नीचे है। अभी क्या करना चाहिए सर अदानी इंटरप्राइजेस? अडानी ग्रुप न्यूज बेस्ड स्क्रिप्ट ज्यादा है, कभी भी आपको, आप अडानी में ट्रेड्स बनाते हैं तो आपको जो है वोलेटिलिटी की तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो सेटअप है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस न्यूज के चलते थोड़ा आज एक टेक्निकल जो ब्रेकडाउन जो बोला जाता है, क्योंकि काफी दिनों से एक लेवल होल्ड करके बैठा था, 2450 जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है तो थोड़ी सी टेक्निकल बेस सेलिंग देखने को मिली है। इसका सपोर्ट बन रहा है करीबन 2100 के, 2100 के आजू बाजू, तो मेरे हिसाब से वहां पे सपोर्ट लेके स्टॉक वापस उछलना चाहिए वहां से। तो अगर आप इसमें निवेश करके बैठे तो आप होल्ड कीजिए। शेयर का नेचर ये है कि काफी वो वोलेटाइल रहता है, पर एक बेस बन चुका है अडानी में 1400 पे, और अभी फिलहाल तो ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से 2100 से ही वो वापस बाउंस कर जाएगा। आपको अगर एवरेज करना है इसको तो आप 2100 के स्तर पे इसको एवरेज कर सकते हैं, और जल्दी ही आपको शायद जुलाई महीने में आपको 2700 के स्तर देखने को मिलेगा। 2700 के स्तर तक भी देखने को मिल सकते हैं अदानी समूह पे। सर, काफ़ी सारे सवाल हमारे दर्शकों के भी हैं, तो हम अदानी ग्रुप की 10 कंपनियां लिस्टेड हैं, सब पे तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे वरना काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन 4-5 जिन पे सवाल भी हैं, विनीत कुलकर्णी जी अदानी पोर्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, अदानी विल्मर के बारे में जानना चाह रहे हैं, साक्षी जी अदानी टोटल गैस के बारे में जानना चाह रही हैं, तो पहले अदानी पोर्ट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आज 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये इस ग्रुप की ऐसी कंपनी रही जिसमें कि बाकी शेयरों के मुकाबले वोल्टिलिटी थोड़ी कम देखने को मिली, टूटे तो सभी हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव उस तरह का नहीं रहा जैसा हमने बाकी शेयरों में देखा जहां पर लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए थे। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर के बाद जो आज गिरावट है, क्या सपोर्ट और क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? तो जो अडानी ग्रुप में है आज काफी टेक्निकल ब्रेकडाउन का चक्कर है इसमें, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइज हो या पोर्ट हो, एक लंबे समय से एक रेंज में पड़ा हुआ था, और जैसे ही आपका लोअर एंड का रेंज ब्रेक करे तो आपका सेल काफी सेल ट्रिगर हो जाता है, कोई लॉस बुक करता है, कोई शॉर्ट करता है उसमें, तो उसके चलते और न्यूज भी सामने जो है इसका थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट रहा है, तो वो आप टेक्निकल ब्रेकडाउन की वजह से आज आपको 5% के ज्यादा इसमें सेलिंग की प्रेशर है। पर
मेरा मानना है कि ये सेलिंग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, 700 706 के स्तर पे इसको वापस सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो जैसे ही गिरा है वैसे ये रिकवर भी कर जाएगा, तो अब 705 706 के स्तर पे वापस इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर फंसे हुए हैं तो कोई डर की बात नहीं है, स्क्रिप्ट वोलेटाइल है, थोड़ा टाइम ले सकता है, पर जल्दी रिकवर करके वापस 750 तक, जुलाई एंड तक आपको मिलना चाहिए। 750 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे जुलाई एंड तक, ये यहाँ पर नज़रिया है। अदानी टोटल गैस सर अगला शेयर, जिस पर कि काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न आए हुए हैं, चूँकि इसमें जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी हो गया क्योंकि ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है, लोग लोअर लेवल पे खरीद रहे हैं, जैसे ऊपर जाता है फिर वो बेच देते हैं। अदानी टोटल गैस में भी हम देख रहे हैं आज 3% के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिल रही है, 635 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? ये भी तो शेयर काफी काफी वोलेटाइल रहा है सर, लगातार सर्किट लगते हुए इसमें हमने देखे थे। अडानी टोटल गैस का अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो इसमें थोड़ा कंफर्ट कम है। अडानी एंटरप्राइज हो या आपका अडानी पोर्ट हो, तो इसमें क्या फ्यूचर्स इन ऑप्शंस भी रहते हैं, तो इसमें वहां से भी कभी सपोर्ट मिल जाती है ऑप्शंस के जरिए। पर ये जो है कैश का स्क्रिप्ट है, सर्किट पे चलने का इसका एक पैटर्न दिखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप भले ही एक ट्रेडिंग सपोर्ट पे अभी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा यही स्तर से उछला था 890 तक, पर ये स्क्रिप्ट में मुझे कंफर्ट नहीं है। तो आप एक तो आप स्टॉप लगा सकते हैं 575 का इसमें, और अगर हल्का सा उछाल आता है 850 के करीबन तो इसको एग्जिट करें। मेरा मानना है कि अगर होल्ड भी कर लिया सपोर्ट, तो ये टेम्परेरी सपोर्ट रहेगा इसमें, और शायद डाउनसाइड करीबन 400 तक आगे जाके एक 3 महीने के लेवल्स तक देखने को मिल सकते, 400 तक देखने को हमें मिल सकते। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी इज व्हाट आई सजेस्ट इन अडानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस में अगर जो साक्षी जी आपका प्रश्न भी था, तो अगर आप हैं तो निकल जाइए यहाँ से, नुकसान बढ़ सकता है आपका, 400 रुपये तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, नीचे डाउनसाइड काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक और प्रश्न अदानी विल्मर को लेकर के है, अदानी विल्मर पे काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं, फंडामेंटली बहुत लोग कहते हैं कि कंपनी के पास कुछ कारोबार है, 3% आज ये भी टूटा है, 405 406 का स्तर यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है चार्ट सर? अडानी विल्मर अगर आप गए 2-3 महीने का प्राइस एक्शन देखेंगे तो 490 का अपसाइड बैंड है और नीचे में 350 का, तो एक क्लियर रेंज बाउंड सिनेरियो है इसमें। अभी करंट स्तर से चांसेस ज्यादा है कि वापस जो लोअर एंड ऑफ द बैंड है 350 वहां तक चलेगा ये। इसका दौर जो है रेंज बाउंड सिनेरियो का काफी और 2-3 महीना चल सकता है, जहाँ पे आप 350 से वापस एक उछाल देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये जिस तरह से पैटर्न बन रहा है वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका पैसा जो है काफी टाइम इसमें ब्लॉक होके रह सकता है। तो एग्जिट कीजिए, दिस इज मोर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट। 350 मिले तो आप बाय कीजिए 320 के स्टॉप से, और एक 50-70 रुपए उछाल मिले तो बुक कीजिए, करना वो वाली स्ट्रेटेजी है इसमें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई वुड रिकमेंड एग्जिट कर लीजिए आप अडानी विल्मर। एग्जिट कर लीजिए सर, ये आपके लिए सलाह रहेगी। अविनीत जी आपका भी प्रश्न था और भी एक दो दर्शकों के प्रश्न थे, तो यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। तो ये तो रही अदानी समूह के ऊपर बात, जो खबर थी उस खबर का जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए अदानी समूह के शेयरों पर, इस पर हमने बातचीत की। अब जरा कुछ एक और खबरों वाले शेयरों को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और खबरें जो है HDFC पर भी निकल करके आई हैं, जरा स्क्रीन पर देखते हैं क्या खबर है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने हिस्सा खरीदा है, बेचा है, अब रूरल शोर्स बिजनेस सर्विसेज में इन्होंने कंपनी ने पूरा हिस्सा जो है अपना बेच दिया है, करीब 10 लाख शेयर जो है HDFC प्रॉपर्टीज़ में बेचे गए हैं, और इसके अलावा HDFC वेंचर कैपिटल में हमने देखा कि 5 लाख शेयर बेचे गए हैं, और काफ़ी रकम कंपनी ने जुटाई है इस हिस्सा बिक्री के ज़रिए, और बोनीटो डिज़ाइंस के अंदर यहाँ पर करीब 0.4%, 3.86% हिस्सा खरीदा है, और इस गिरते हुए बाजार में भी हम देख रहे थे कि सुबह करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती HDFC के अंदर देखने को मिल रही थी। अभी अगर देखें तो HDFC के भाव की अगर हम बात करें, तो अब ये करीब अभी भी 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है HDFC बैंक, हालांकि ये है। सर कैसे देख रहे हैं HDFC लिमिटेड को आप, इन लेवल्स पे क्या सलाह रहेगी सर? HDFC लिमिटेड गए 3 दिन में
अच्छा खासा उछला है, उसने एक बेस पैटर्न बना है 2626-60 पे। हालांकि ये बहुत लेट पार्टिसिपेट किया है मार्केट के ऑल टाइम हाई, जब भी निफ्टी आई तब से रैली चलना स्टार्ट हुआ है एचडीएफसी ट्विन्स में, तो यही चक्कर है कि मार्केट आज सपोर्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी एचडीएफसी ट्विन्स। अगर आप निवेशक है इसमें तो इसमें आप बने रहिए, क्योंकि आगे जाके इसका जो प्रोस्पेक्ट है बहुत ही ब्राइट लग रहा है चार्ट पे भी। हालांकि ये रेंज बाउंड पैटर्न है पर लॉन्ग टर्म में 6 मंथ्स प्लस अगर व्यू रखे तो आपको 2950 से 3000 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। अगर महीना भर की बात करें तो जुलाई में आपको 2850 तक ऊपरी ऊपर के स्तर में देखने को मिल सकता है एचडीएफसी लिमिटेड, तो आप इसको बाय कीजिए, या अगर एवरेज भी करना है आप करंट लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इसके और हमारी सलाह रहेगी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर जो है निवेश करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो HDFC में अभी भी खरीदारी की जा सकती है। इरोज इंटरनेशनल, जी हाँ, ये यहाँ पर भी खबर है और इस खबर के चलते अच्छी खासी गिरावट आज पिटाई हुई है शेयर की। कंपनी के MD और CEO दोनों पर किसी भी तरह के बोर्ड में बने रहने की, कोई भी मैनेजर पोस्ट लेने से मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है सेबी की तरफ से। अब वो किसी भी पद पर नहीं रह सकेंगे। सुनील अर्जन जो कि MD हैं और संदीप प्रदीप कुमार जी जो कि CEO हैं, इन दोनों पर बैन लगा दिया गया है और साथ ही साथ शेयर बाजार में भी किसी तरह का कामकाज करने के लिए भी इन पर रोक लगा दी गई है। और सेबी के सख्त फैसले की वजह से जब मैंने सुबह हम देख रहे थे 14% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, अभी अगर हम देखें तो अभी भी अच्छी खासी गिरावट, करीब 18% नीचे, अब 21 रुपये के आसपास, 21 रुपये 65 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब 18% टूट चुका है, पिछले 5 दिन में 22% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। सर कैसे देख रहे हैं, बड़ी खबर है, एंड कंपनी के MD और CEO दोनों को बैन कर दिया गया है कि ना तो वो किसी पोस्ट पर रह सकते हैं ना ही इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 17-18% की गिरावट है, ये गिरावट खरीदारी का मौका है या इतनी बड़ी खबर के बाद दूर रहना ज़्यादा बेहतर है? दूर रहना ही ज्यादा बेहतर है। चार्ट्स में अगर देखूं तो बहुत ही अहम स्तर पर ट्रेड हो रहा है, जो 21 का लेवल है बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है इसमें, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो एक हेड एंड शोल्डर जो बेरिश टेक्निकल्स में पैटर्न माना जाता है उसका एक ब्रेकडाउन होगा इसमें, और जिस तरह से ये पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है शायद अभी ना हो अगले हफ्ते हो, पर ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। नीचे में सपोर्ट अगर आप देखें तो ये करीबन 14-15 रुपए तक आपको मिल जाएगा वापस, तो अगर आप क्या आपका निवेश है इसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो दूर रहिए, अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो एग्जिट कीजिए इसमें, और 14 से 15 का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। जी, इस बीच जो है तमाम कंपनियों पे जो आज हमने चर्चा की, ज़्यादातर कंपनियां ऐसी रहीं जिस पे कि दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ एक स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी ऐसी भी हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। उसी में एक कंपनी है, लैंडमार्क कार्स को लेकर के यहां पर खबर निकल के आई है, और लैंडमार्क कार्स पर खबर ये है कि TPG कैपिटल ने कंपनी के अंदर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है और ये हिस्सेदारी आज ही बेची जाएगी। तो ये कभी भी ब्लॉक डील हो सकती है या हो सकता है, जब हम चर्चा कर रहे हैं हो सकता है हो भी गई हो। करीब 11% हिस्सेदारी कंपनी के अंदर TPG कैपिटल की थी, और इस खबर के चलते चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़े इन्वेस्टर भी इसमें हिस्सा खरीद सकते हैं, तो उनको जो है ये TPG कैपिटल अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज लैंडमार्क कार्स के अंदर करीब 7% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी सुबह, और अभी अगर हम देखें तो उस करीब 8.25% से ज़्यादा की तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है, 717-718 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर। सर आज जो रिकवरी है, जिस तरह की बाइंग देखने को मिल रही है, क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है या आपको लग रहा है कि नहीं, इस तरह की रैली में थोड़ा दूर रहना चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, टेक्निकल्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है ये स्क्रिप्ट का, तो अगर इसका जो बेस पैटर्न है 650 का, 650 का, और ब्रॉडर लॉन्गर टर्म चार्ट्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है इनका, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस भी बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एक महीने का भी व्यू ले तो एक जो रेंज में ये ट्रेड हो रहा है कुछ एक 15-20 दिन से, एक रेंज का लोअर एंड है इसका 680 का और ऊपर में बन रहा है 720, तो जल्दी ये ऊपर रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए, आपको 760 से 770 के टारगेट्स 1 से 1.5 महीने में मिलने चाहिए। अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो भी इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, जैसे मैंने कहा इसमें आपको टारगेट करीबन 1000 के आजू बाजू एक साल तक मिलने की आशंका है। 1000 तक के जो है टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये फिलहाल राय निकल कर के आती हुई। और एक जो है हम देख रहे हैं कि स्टर्लिंग विल्सन पे भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, हालांकि ये अगर हम देखें तो ये करीब 1.5% के आसपास इस समय गिर करके कामकाज कर रहा है, 293 294 के आसपास स्टर्लिंग एंड विल्सन। अगर आप को चार्ट मिल गया हो सर तो, कि बड़ी ब्लॉक डील हुई है अब से कुछ देर पहले ही, तो उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन ज्यादातर एक रेंज बाउंड स्क्रिप्ट है। अगर इसमें आप प्राइस पैटर्न को देखेंगे तो 338 का अपसाइड है इसमें और नीचे के स्तर पे 290। तो जो प्राइस डेवलपमेंट है इसमें कुछ इंडिकेशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने को इसमें निवेश करना है। रेंज बाउंड स्क्रिप्ट है तो इन्वेस्ट ना करें इसमें। अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप तो जब भी आपको 250-60 में मिले तो आप 240 के स्टॉप से एक बार एक 30-40 रुपए के उछाल के लिए बाय कर सकते हैं। बाकी आई डोंट सी एनी मेजर जी प्राइस एक्शन हैपनिंग इन दिस क्रिप। जी